हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। और एट द रेट डॉक्टर आलम, आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के बारे में। कंप्लीट रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं वो देखेंगे, उसके साथ ही क्या डेट्स रहने वाली हैं काउंसलिंग की वो देखेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, किसकी कितनी फीस है और कट ऑफ क्या रहती है कॉलेजेस की वो देखेंगे। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उनको भी रिप्लाई करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जिनको नहीं पता है वो लोग जान लें, हमारे चैनल एंट्रेंस वाला पे कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी वीडियोज़ टाइम टू टाइम आती हैं, सभी अपडेट दिए जाते हैं। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जो लोग करना चाहते हैं जस्ट 1200 में पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस आपको दिया जाता है, फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हो चाहे प्राइवेट के लिए देख रहे हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये लास्ट ईयर वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा हूँ, मोस्टली सेम ही रहते हैं जो पिछले साल के रहे थे एडमिशन के लिए BAMS में, BHMS में और BUMS में उत्तराखंड के अंदर। तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करना है, जो ऑफिशियल उत्तराखंड की वेबसाइट है उस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनकी क्या क्या वेबसाइट्स हैं वो मैंने पहले ही बता दी थी। उत्तराखंड की लिए जो वेबसाइट है वो है www.uau.ac.in। यहाँ पे जाएंगे तो आपको टाइमली पूरे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका अपडेट मिलेगा, ठीक है। आपको पता होगा दो तरह से काउंसलिंग होती है, एक होती है ऑल इंडिया कोटा की, एक होती है स्टेट कोटा की। तो ये स्टेट कोटा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं या उत्तराखंड का आपके पास डोमिसाइल है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट कोटा से कट ऑफ ज्यादा थोड़ी लो रहती है। और अगर आप उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं और आपके पास डोमिसाइल नहीं है तब आपको ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या फिर आप उत्तराखंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं किसी भी स्टेट के रहने वाले हों तब भी आपको उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि उत्तराखंड और UP एक दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के थ्रू प्रेफर किया जाता है प्राइवेट BMS के लिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे और काफ़ी कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना हो तब भी आप जो है काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पूरी जो है आपको काउंसलिंग कराई जाती है, पूरा गाइडेंस दिया जाता है किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपने नीट दिया होना चाहिए, और नीट में अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज इसकी कट ऑफ जो वो हाई रहेगी, कॉलेज वाइज कट ऑफ भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, लेकिन प्राइवेट में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके जनरल या EWS से हैं। अब अगर आप जनरल EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके 164 या इसके प्लस मार्क्स होने चाहिए। इसमें अगर थोड़ा चेंजेस होता है रिजल्ट के बाद तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी अगर अदर कैटेगरी से जैसे OBC, SC, ST से बिलोंग करते हैं तो आपके 129 प्लस मार्क्स या 129 भी मार्क्स हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करें तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, अदरवाइज आप जो है प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग फीस की बात की जाए तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 लगेगी पहले राउंड में भी, और अगर आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें भी आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आपने फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया हो या नहीं किया हो, लेकिन जो थर्ड राउंड है जिसे मॉपअप कहते हैं उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसका भी 2000 चार्ज देना पड़ेगा। यानी ये एक पहला ऐसा स्टेट है जहां पर आपको सेकंड राउंड के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर से पैसा देना होगा रजिस्ट्रेशन का, जो कि 2000 है। बाकी स्टेट में और ऑल इंडिया में क्या होता है, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो लास्ट तक उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप पूरी काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फीस की बात की, काउंसलिंग की क्या फीस रहती है रजिस्ट्रेशन वाली। डेट्स की बात की जाए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस है स्टेट कोटा वाली, ऑल इंडिया कोटा वाली 25 से 30 जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के नेम आप यहाँ पर देख लेंगे। गवर्नमेंट अगर बात की जाए तो तीन कॉलेजेस हैं BAMS के, ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार, दूसरा है गुरुकुल कैंपस हरिद्वार, तीसरा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस देहरादून। तो ये तीन कॉलेजेस हैं BAMS के। बाकी जो BAMS के कॉलेज यहाँ पर प्राइवेट हैं, क्या क्या कॉलेज के नाम हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि ऑलरेडी कुछ कॉलेजेस के नाम आप जानते होंगे क्योंकि टॉप कॉलेजेस यहाँ के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज, ये प्राइवेट BAMS है, उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज, हिमालयन आयुर्वेदिक कॉलेज, क्वाड्रा, मदरहुड, शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर, दून इंस्टीट्यूट, ST, मंजरिया देवी आयुर्वेदिक कॉलेज, बिहेव आयुर्वेदिक कॉलेज, ये भी प्राइवेट है। तो ये सभी प्राइवेट हैं। उसके बाद देवभूमि, होम आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ रिसर्च सेंटर बिशंबर साई, चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, फिर यहाँ पर ये BHMS वाले आ गए, फिर आ गया उत्तराखंड यूनानी कोर मेडिकल कॉलेज, ये प्राइवेट BMS में, ये भी अच्छे में आता है, अरोमा, ये भी काफ़ी चर्चे में चल रहा है, और फिर उसके बाद
सूरजमल मेडिकल कॉलेज। तो ये सभी कॉलेजेस हैं, अगर आपको इन सब की इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं और कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन था है, तो आप जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लें, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेजेस की दी जाएगी। अभी मैं आपको कॉलेज वाइज फीस भी बता दूंगा और बाकी यहाँ पर जो है काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, 2000 का पेमेंट करके आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो। फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, रिजल्ट आएगा, फिर कॉलेज में जाके आपको जो है पहले सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तब। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी अमाउंट आपका लगेगा वो लगेगा 15,000 का, जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है। अगर आप सीट लेना चाहते हैं तो आपका 15,000 जो है सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। बाकी इसके लिए सेपरेटली रूल्स रहते हैं कि आप कब छोड़ सकते हैं कब नहीं छोड़ सकते, इन सबको डिटेल में बता देंगे जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी और पेड वालों को तो बताया ही जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं आपको फिर इसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये जो रूल्स हैं आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बाकी जब नए रूल्स आएंगे तो उस टाइम पर भी आपको बता दिया जाएगा। कॉलेज वाइज फीस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहला यहाँ पर अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इसकी अगर टोटल फीस की बात की जाए, अच्छे कॉलेजेस में इसकी भी गिनती होती है। यहाँ पर आप फीस देखेंगे तो फर्स्ट ईयर की जो है 215,000, सेकेंड ईयर की 215,000, थर्ड ईयर की 215,000 और यानी सभी ईयर की जो है 4 सालों तक। आपको पता होगा 4.5 साल की ही सिर्फ फीस जमा होती है। हॉस्टल फीस अगर आपकी बात की जाए तो सिक्योरिटी फीस 10,000 और जो कि आपकी रिफंडेबल है यानी आपको बाद में मिल जाएगी, और जो हॉस्टल का फीस है वो है 80,000 प्रति वर्ष, हर साल आपको जो देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षण शुल्क, ये तो हो गया शिक्षण शुल्क जो हर साल आपको देना है, शिक्षण शुल्क के अलावा जो व्यवसायिक आपको यहाँ पर देना है और जो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर आपका मिल रहा है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 240,000 फर्स्ट ईयर में, 230,000 उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द ईयर में आपको देना होगा। फिर जो अगला कॉलेज है वह चंदोला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, इसकी फीस जो है आप यहाँ से देख सकते हैं पर ईयर की। अब क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस हैं तो मैं सिर्फ आपको नाम पढ़ के और उनका जो फीस स्ट्रक्चर है दिखा दूंगा, आप जो है उसका देख सकते हैं। ये है कोर मेडिकल कॉलेज, ये भी अच्छे कॉलेजेस में इसकी गिनती रहती है। फीस हालांकि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, तो वही स्टूडेंट यहाँ पर चूज़ करते हैं जिनको फीस की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लो बजट में देखना है तो अदर ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि अच्छे कॉलेजेस में आते हैं कम फीस में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगला है देवभूमि मेडिकल कॉलेज, इसकी फीस जो है यहाँ पर आपको दिख रही है, ये भी काफ़ी फीस हाई रहती है इसकी भी, 350,000 पर ईयर की है। दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की देखेंगे तो इन्होंने जो लास्ट ईयर वाला फीस स्ट्रक्चर था ये यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये है, ये हो गया इसका। फिर उसके बाद अगला जो कॉलेज है वो है हिमालयन आयुर्वेदिक कॉलेज, इसकी फीस यहाँ से देख सकते हैं प्रतिवर्ष लगभग 3,00,000 फर्स्ट ईयर की है, बाकी 2,50,000 पर ईयर आप यहाँ से देखेंगे। फिर अगला है मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसकी फीस यहाँ पर आपको दिख रही है 2,50,000 पर ईयर। फिर अगला है SMT मंजीरा देवी, इसकी फीस आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो अगला कॉलेज है वो है ओम आयुर्वेदिक कॉलेज, इसकी फीस यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो अगला कॉलेज है वो है ओम आयुर्वेदिक एंड मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, इसकी फीस यहाँ दिख रही है सेम वही जो ऊपर बताया था। फिर पतंजलि, इसकी फीस यहाँ से देख सकते हैं 2,87,000। फिर जो अगला है वो है क्वाड्रा इंस्टीट्यूट, इसकी फीस यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो अगला है वो है शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड रिसर्च सेंटर। फिर जो अगला है उसके बाद है वो है सूरजमल मेडिकल कॉलेज, इसकी फीस यहाँ से देख सकते हैं। अगला है उत्तरांचल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, उसकी फीस यहाँ से देख सकते हैं 3,00,000 पर ईयर। फिर जो उसके बाद आप देख सकते हैं वो है अगला कॉलेज उत्तरांचल ही है यहाँ पर चल रहा है। तो ये लास्ट जितने भी कॉलेजेस थे सभी की फ़ीस यहाँ पर कवर हो गई। अब इसके बाद क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उत्तराखंड के तीनों कॉलेजेस की कॉलेज वाइज कट ऑफ और राउंड वाइज कट ऑफ। फर्स्ट है ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, फर्स्ट राउंड में आपको मार्क्स नहीं देखने, आपको देखनी ऑल इंडिया रैंक। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि मार्क्स के हिसाब से देखते हैं और पूछते हैं, तो आपको अगर पूछना भी तो अपनी ऑल इंडिया रैंक बताएं, अपनी कैटेगरी बताएं, उसके हिसाब से जो यहाँ पर बताना संभव रहेगा, क्योंकि जो मार्क्स का वेरिएशन आपको ऑलरेडी बताऊंगा बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जिस रैंक पे पिछले साल 615 नंबर पे कॉलेज मिल गया था, इस बार 654 पे भी नहीं मिलेगा जैसा रहा है, तो इसलिए आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखें, उससे ज़्यादा बेटर आइडिया लगता है। तो आप अनरिजर्व से देखेंगे 1,02,601, ओबीसी से 1,41,564, ईडब्ल्यू से 1,43,507, एससी से 3,18,036, एसटी से 5,60,598 फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 1,14,570, अनरिजर्व से ओपन से 1,43,658, थर्ड राउंड में ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं थी सेकंड राउंड में, और एससी की जो है 3,42,297 ऑलरेडी आ रही। अगला जो कॉलेज है वो है गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, और इसके फर्स्ट राउंड में अगर सीट की कट ऑफ की बात की जाए अनरिजर्व कैटेगरी से तो 1,62,828, ओबीसी से 2,19,892, ईडब्ल्यूएस से 2,23,365, एससी से 5,956, एसटी से 7,28,657, बाकी सेकंड राउंड का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है।
तो इससे अगर थोड़ी आपकी कट ऑफ ज़्यादा भी है, यानी ऑल इंडिया रैंक आपकी ज़्यादा भी है, तभी काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हर साल जो है थोड़ी लो कट ऑफ रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है पूरे इंडिया में बढ़ती है, तो उसकी वजह से कट ऑफ ओवरऑल लो रहती है। राउंड वन की बात की जाए फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस देहरादून में अनरिजर्व से 182,285, तो मोटा मोटा अगर आपकी 200,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी है तो उत्तराखंड से पार्टिसिपेट करें, BMS में लेके पूरे चांसेस हैं। OBC से 237,589, EWS से 285,560, SC से 417,054, ST से 991,438। सेकेंड राउंड में बात की जाए अनरिजर्व से 171,495, OBC और EWS में सीट नहीं अवेलेबल थी, और SC से बात की जाए तो 417,054 और ST में सीट अवेलेबल नहीं थी, यानी फर्स्ट राउंड में सीट भर गई थी। तो ये हो गया उत्तराखंड का पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस और उसके डेट्स वगैरह। इसके बाद आपकी कोई क्वारी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जरूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ, पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस आपको जो है यहाँ पर मिलता है। थैंक यू।